नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूं मालवीय नगर विधानसभा के हौशकास वार्ड में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कालूसराय RWA के अध्यक्ष एवं अल्पसंख्यक अध्यक्ष हैं हौशकास से शेर मोहम्मद, जिसे आज मिले हैं और इनसे सीधे बात करते हैं। सर, पहला इंट्रोडक्शन कि आप राजनीति में आप जो जुड़े हुए हैं, आप भाजपा में कैसे आपके मन में आया विचार और कब से जुड़े हैं? मैं भाजपा में 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बहन मीनाक्षी लेखिन है, अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष भाई अनिल शर्मा ने बनाया। उससे पहले मैं 2016 में RW का अध्यक्ष बना, यहाँ से इलेक्शन जीतकर 2018 में मुझे भाई अनिल शर्मा, बहन मीनाक्षी लेखिन ने अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष बनाया। अच्छा, जैसे हम आपके कालूसराय गाँव में सर मौजूद हैं, यहाँ की क्या मिसाइल्स हैं, क्या यहाँ का कुछ बताएंगे कुछ गाँव के विषय? कालूसराय में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, एकता बनाने के लिए यहाँ कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि आपस में हिंदू मुस्लिम हो कुछ हो, हर तरीके से आपस में 7 त्यौहार मनाते हैं, ईद बकरीद होली दिवाली सब अच्छी तरह मनाते हैं। कोई भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं है कहीं भी। आपने क्या क्या किया था इन 6 सालों में, आप प्रधान हो इस गांव से? 6 सालों में मैंने कालूसराय में बहुत काम किए हैं, भाई अनिल शर्मा, बहन मीनाक्षी लेखी किए, उससे मैंने तो इतना नहीं किया लेकिन राजनीति के उससे बहुत काम किया हुआ है। रोड बनवाए हैं अंदर के सीवर, और छोटे मोटे काम, बच्चों को बैठने के लिए पूरा प्लेटफार्म बनाया है, बाथरूम बनवाया है, बाहर रोड पे बनवाया है, सब कुछ MCD से अनिल शर्मा ने बनवाया है, तो ये बनवाया है। अच्छा, आप जैसे यहाँ के RW प्रधान हैं सर, जैसे शिक्षा को लेके भी आपने कोई युवाओं को आप करते हैं जागरूक? शिक्षा के लिए बहुत जागरूक करते हैं युवा के, आज की जो हमारे मुस्लिम जो इतने पढ़ते नहीं हैं, जो आज के 8 साल के बच्चे हैं कोई मदर स्कूल में, कोई सेंट पॉल स्कूल में, जो अब जो पीढ़ी आएगी वो बहुत अच्छी आगे निकलेगी। और खेल कूद से भी आप प्रोत्साहित करते हैं? मैं करता हूँ खेल कूद से भी, 15 अगस्त बनाता हूँ, 26 जनवरी बनाते हैं, समय समय कार्यक्रम करते रहते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं, बुक कापी किताब ये वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे कालूसराय गांव में मेन बेसिक क्या क्या समस्याएं बनी हुई आज की? कालूसराय में मेन बेसिक समस्या हमारी सबसे बड़ी सीवर की समस्या है। हमारे यहाँ केड़ी खान का मकान है, एक हफीजुद्दीन का मकान है, रोज गंदा पानी आता है। अच्छा। और उसमें सारे मजबूर होते हैं पीने के लिए, सोचते हैं कि अच्छा है तो वो खराब ही निकलता है। 1 महीने से 2 महीने से खुदा हुआ है, अभी तक कोई ठीक नहीं हुआ, उसमें पानी मिक्स हो रहा है। इसके लिए आप क्या प्रयास करते हैं? आप सर, हम प्रयास करते हैं कि सोमनाथ भारती से बोला है, हाँ करेंगे, बस आश्वासन ही देते हैं, कुछ नहीं होता। साहब, कब से समस्या बनी आपकी? ये 1 साल से बनी पड़ी है। 1 साल से? हाँ। तो आज तक कोई हल नहीं? आजकल कोई हल ही नहीं है पानी का, तो गंदा सीवर का पानी मिक्स हो रहा है, उसमें सीवर का पानी जा रहा है, सब गाँव वाले पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, कोई कुछ, और सब पानी बोतल अपना खरीद के पी रहे हैं। तो आज सिचुएशन ऐसी बनी हुई गाँव की, और साथ में जो सर महंगाई जो बढ़ रही है लगातार, आम जनता पे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। ये आम जनता पे असर पड़ रहा है, तो केजरीवाल सरकार का है, तो टैक्स कम नहीं कर रही है किसी चीज़ में, हर चीज़ में ये ठहराती है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार कोई जिम्मेदार नहीं है, केजरीवाल ही जिम्मेदार है। नशा बना रहे हैं, घर घर में नशा तैयार हो रहा है, एक के साथ एक फ्री मिल रही है, हर जगह ठेके खुले हुए हैं। अभी कालूसराय का ठेका भी अभी हमने बंद कराने की एप्लीकेशन दी हुई है। अच्छा। बच्चे जाते हैं एक के साथ एक फ्री लेके आते हैं, तो ये उसमें छोड़ रखा है इन्होंने सब ऊपर कि भाई फ्री। शेर मोहम्मद जी, जैसे आपके दिल्ली अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, जैसे उन्होंने एक मुहिम चला रखी है पोल खोल अभियान, इस चीज़ पे सर जो उन खुलासा कर रहे हैं कि आदेश गुप्ता जी, हाँ जी, क्या इस चीज़ पे लेके आपने जागरूक कर रहे हैं? हर जगह जा रहे हैं हम, 250-300 घर में मैं चला गया हूँ अच्छी तरह कि भाई ये हर चीज़ के लिए फ्री कर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है यहाँ कालूसराय में, और सीवर की बड़ी समस्या है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा समस्या है, जगह जगह समस्या है, पानी नहीं आ रहा, लोग परेशान हैं। तो लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का? लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, तो माएँ बहनें यही विरोध कर रही हैं कि हमारा बच्चा शराब पी रहा है, फ्री मिल रही है एक के साथ एक फ्री। सर, आपकी जो दिल्ली में सरकार भी नहीं बन पा रही भारतीय जनता पार्टी की, लगभग काफ़ी लंबा समय हो गया सर, क्या वजह मानते हैं आप? अब बनेगी इंशाल्लाह 2024 में 2025 में जो भी है इलेक्शन होगा, BJP की सरकार बनेगी और तबाड़ तोड़ उससे बनेगी अच्छी तरह फर्स्ट क्लास करके। अच्छे, एक ज्ञान व्यापी को लेकर जो चल रहा है इसमें केस, ज्ञान भारती का तो जो आदेश मान्य आदेश का कोर्ट का फैसला होगा उसके लिए मंजूर है, तो कोई भी इसमें कुछ वो नहीं है। शेर मोहम्मद जी, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार काम कर रहे हैं देश हित के लिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्या इस नारे से आप संतुष्ट हैं? क्या इस चीज़ को लेके आप लोगों को जागरूक करते हैं? मैं संतुष्ट हूँ इस उसके लिए कि मोदी जी बहुत देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब सबको तो खुश कर ही नहीं सकते, किसका कुछ दिक्कत आएगी वो तो मोदी जी से नाराज़ होगा, लेकिन मोदी जी ने हाईवे रोड
अभी कोरोना में राशन सारा कुछ फ्री ये सब किया, तो बहुत अच्छी बात है। सर आपकी कोई मदद रही इस कोरोना काल में, 2 साल के इस कार्यकाल में? मदद रही है, बहन मीनाक्षी लेखी ने यहाँ पे राशन गेहूँ चावल वाल जो मदद करी है वो एमपी फंड से यहाँ पे हुई है। और एक छोटा सा अपने दर्शकों को अपना मैसेज छोटा सा देना चाहेंगे? दर्शकों तो ये मैसेज है, यहाँ कालूसराय में भाईचारा बना हुआ है और बना रहेगा अच्छी तरह। यहाँ मिसाल है 100 साल की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस की एकता बहुत अच्छी है यहाँ पे। हर तरीके से हर कौम तैयार रहती है आपस में, किसी की कोई समस्या होती है आपस में तैयार रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कालूसराय का। नाम आपका सर? सर मेरा नाम मोहनलाल है। तो और कालूसराय गांव में रह रहे हैं? हाँ जी, कालूसराय गांव में रह रहे हैं। क्या हालात हैं आज गांव के? गांव के हालात तो जी इस टाइम तो ये हम नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो ऐसे कि एक तो गंदा पानी इतना आ रहा है कि वो पीना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी, और पूरे एरिया परेशान है इस गंदे पानी से। पूरा कालूसराय, बेगमपुर, ये सारा एरिया परेशान है। ठीक है जी, नई लाइने डाल दी गई है लेकिन फिर भी कोई उसमें सुधार नहीं आया, फिर वही गंदा पानी। ठीक है जी, कि जी पहले तो कहते हैं लाइन गंदी है, वो लाइन गंदी है, लाइन भी बदल दी, लाइन बदलने के बाद में फिर गंदा पानी है। ठीक है जी, अब कभी कहते हैं गटर भर गया है, कभी कहते हैं क्या कहते हैं, कोई ना कोई उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि हाँ जी ये काम करना करेंगे जी, और लेकिन सुधार नहीं हो रहा कालूसराय। यहाँ के जो प्रधान है सर अपने कालूसराय आरडब्ल्यू के, शेर मोहम्मद जी, हाँ जी, उन चीज़ के लिए प्रयास करते हैं गांव के लिए? उनका तो देखो जी, जब से वो आरडब्ल्यू के प्रधान बने हैं उस इस एरिया के अंदर उन्होंने इतना सुधार कर दिया है कि एरिया की साफ सफाई, ठीक है जी, और यहाँ पे जो जाम की परेशानी थी, रेड़ियाँ जो लगती थी बाहर से आके, जो रेड़ियाँ लोग लगा देते थे, कल को कोई हादसा हो जाता तो बाई चांस अगर कुछ आग तो लगी थी एक कालूसराय के अंदर, एक दुकान के अंदर, जिसके अंदर मेरे ख्याल से 5-6 सिलेंडर पड़े हुए थे। अच्छा। जो दुकान के मालिक थे और जो किराएदार थे वो दुकान छोड़ के भाग गए, लेकिन हमारे एरिया के जो आरडब्ल्यू के प्रधान है कालूसराय के, शेर मोहम्मद जी, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी और उस आग को बुझाने के लिए पूरी कोशिश करी अपने जी जान से, अंदर घुस गए उसके अंदर दुकान के अंदर और सिलेंडरों के ऊपर पानी डालते रहे कि वो सिलेंडरों का प्रेशर ऐसा ना बने जो कि वो फटे। आग बुझाने वाली जो गाड़ी है फायर ब्रिगेड, ठीक है जी, उसको आने में इतना समय लगा क्योंकि सारा जाम लगा हुआ था, क्योंकि रेड़ियाँ लगी हुई थी। उन रेड़ियों को उन्होंने वहाँ से हटवाया और उस एरिए को बिल्कुल साफ़ सुथरा किया, और एरिए में अपने एरिए में काम करवाते ही रहते हैं। कोई भी काम होता है जो जो उनको बोला जाता है तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है जी।